गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की, इट इज़ अबाउट व्हाट एल्स द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो बेसिकली एक इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट इंडिया में है, जिसके ऊपर अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन रही हैं, अप्रूवल्स के ऊपर बातें चल रही हैं, जो कि केन और बेतवा जो दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनको लिंक किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में ये सब हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर जब इसको लिंक किया जाएगा तो बेसिकली ये जो केन रिवर है ये पन्ना टाइगर रिजर्व में भी यही है। तो ये जो प्रोजेक्ट का ये सारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें ये सबसे बड़ा वो है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको ये बहुत ज़्यादा हार्म होगा, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बातें हैं। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल किसने दी है? नेशनल कमेटी फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आपने ऐसे किस बेसिस पे अप्रूवल दे दी कि ये तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। तो उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। तो थोड़े से हम बेसिक्स देख लेते हैं कि ये क्या है। जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इट विल ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू बेतवा। ठीक है, केन रिवर टू बेतवा रिवर में ये केन रिवर टू बेतवा वाटर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बीच में एक लिंक ऐसे कनाल बनाई जाएगी जिसके थ्रू जो वाटर है यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके, टू हेल्प द इरीगेट ड्रॉट फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, ये बुंदेलखंड रीजन है यूपी का, तो एमपी से यूपी में ऐसे ये डाइवर्ट किया जाएगा। द 230 किलोमीटर कंक्रीट कनाल विल पास थ्रू झांसी बांदा महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड टीकमगढ़ पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। क्लियर? ओके, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बेनिफिट यूपी एंड एमपी इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। हैजर्ड्स क्या हैं? कि यही कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में ये इसको इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके बारे में कि ये पूरा का पूरा ड्राउन हो जाएगा। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व में बहुत मुश्किल से दोबारा से टाइगर्स जो हैं वो लाए गए हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हेल्ड इट्स थर्ड मीटिंग इन न्यू दिल्ली। इट वॉज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इट इज़ क्रिटिकल फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड। तो ये है, तो 44,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो है इसका बजट है, और इसमें जो है नेशनल गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने इसको लेकर जो है एक तरह से मीटिंग्स जो है ये कर रहे हैं। है क्या ये? इट इज़ अ लिंक, एक कनाल दैट विल फेड अप बाय द न्यू धुंधन डैम। ठीक है, दौधन डैम, या याद रखो। ठीक है, कनाल वो है ऑन द केन रिवर, वहाँ पे एक जो है डैम बनेगा जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच बनेगा। टू बी बिल्ट विद इन पन्ना टाइगर रिजर्व, द नेशनल गवर्नमेंट हैज सेड दैट डैम विल जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है ये छतरपुर टीकमगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में से जाएगा, और 6.3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है एवरी ईयर इससे इरीगेट होगा। तो ये इसको कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके जो उसको देखें, कंसर्न्स को देखें, तो जो लोग हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। उन्होंने कहा कि आपने सरप्लस डेफिशिट मॉडल के ऊपर आप चले गए कि केन में वाटर ज़्यादा है तो बेतवा को दे दो, कि ये कोई बात नहीं है, कि आपने ये कोई मॉडल होता नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, कि अगर ऐसा करोगे तो इधर केन रिवर में भी जो वाटर है उसकी कमी हो सकती है, और दूसरी ये है कि ये पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसमें वाटर सिक्योरिटी और उसको एंडेंजर करेगा, ये हमने एक देखना है। तो ये कौन कौन सी क्लियरेंसेस मिली हैं इसको? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो अप्रूवल देता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का एक्ट है उसके अंडर बनाई गई एक बॉडी है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को जो चेयर करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इवन कि ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये भी ये WPA एक्ट जो 1972 है इसके अंडर ही बनाए जाते हैं। इंडिया इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एट अ क्रिटिकल जंक्शन व्हेन इट्स वाइल्ड लाइफ वॉज इन पैरल। द की प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेट टू सेटिंग असाइड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस टू वाइल्ड लाइफ सच एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो ये इस एक्ट के अंडर बनाई जाती है। डाइवर्जन और स्टॉपिंग और एनहेंसमेंट ऑफ द फ्लो, कि कभी भी इसमें एक क्लॉज है कि कभी भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में से, अब जैसे इसमें से पन्ना टाइगर रिजर्व में से केन रिवर जा रही है बीच में से, तो आपको ये डाइवर्ट करना है वाटर, इसको स्टॉप करना है या कुछ भी इसमें करना है, ये तभी होगा जब ये यहाँ पे इस ये वाटर डाइवर्ट करना जो नेचुरल वाटर है वो तभी करना होगा जब वो वहाँ की जो लोकल वाइल्ड लाइफ है उसको इम्प्रूव करे, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करे।
तभी अप्रूवल दे दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको उल्टा ये वाटर डाइवर्ट करने से हार्म हो रहा है, फिर भी इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी गई। ओके, डाइवर्जन और स्टॉपिंग और एनहैंसमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इनटू और आउटसाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्क इज अ टेबू अनलेस डूइंग सो इज डीम्ड टू बी नेसेसरी, जब तक ये जरूरी ना हो टू इम्प्रूव एंड बेटर मैनेज वाइल्ड लाइफ विद इन अ सेंचुरी और अ नेशनल पार्क। एंड इन द केस ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व द सेंट्रल इम्पार्ट कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड सच डाइवर्जन टू नॉट बी नेसेसरी टू इम्प्रूव एंड बेटर मैनेज वाइल्ड लाइफ इन द पार्क। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये तभी करना चाहिए जब वो नेशनल पार्क की अच्छा उसके लिए हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी कोई वो नहीं है इम्प्रूवमेंट का स्कोप, बल्कि उल्टा इनको वो खराब करेगा। और दूसरा यहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी है जिसमें घड़ियाल जो हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये डैम बनेगा उसके ऊपर वो इनको भी इस सेंचुरी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है जिन्होंने इसको अप्रूव किया है, देखो इंडिया में आपको कहीं पे भी नेशनल पार्क्स में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। ये WPA एक्ट 1972 में मेंशन किया गया है, तो इसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल क्लियरेंस दे दी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, ना तो ये घड़ियाल सेंचुरी का इशू और ना ही ये टाइगर रिजर्व का इशू। ओके, उसके बाद सब चलते हैं व्हाट अबाउट द लीगलिटी, इनको क्या क्या है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से इनको अप्रूव मिल गई है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है उस अब इनको जो है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसकी अप्रूवमेंट चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो अप्रूवल दी गई है ये इलीगल अप्रूवल है, क्योंकि जो क्लॉज है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्लॉज है कि भाई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप इसमें नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए रिवर केन की, और नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुड डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी ऑफ रेमनेंट फ्रजाइल इकोसिस्टम एंड एन इम्पॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट इन द कंट्री। हाउ विल द पन्ना टाइगर्स विल बी अफेक्टेड? पन्ना टाइगर रिजर्व में 2009 में कोई टाइगर्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी एफर्ट्स किए गए और टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे अच्छे खासे टाइगर्स हैं। पन्ना इज एन एक्सेप्शनल टाइगर हैबिटेट बिकॉज ऑफ इट्स डीप गॉर्जेस विच विल बी ड्राउंड इन इफ अ न्यू डैम इज बिल्ड, ये पूरी तरह से डूब जाएगा। एक इनको इलीगल तरीके से अप्रूवल मिल गई है, तो ये एक इशू है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक पन्ना टाइगर लैंडस्केप बनाएंगे लार्जर एरियाज में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये भी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। दिस लैंड ये तो बनना ही था टाइगर्स के लिए, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट के बदले में बनाया है। तो ये लोग जो है एनवायरमेंटलिस्ट इससे खुश नहीं है। और अभी जो हमारी COP15 जो बायोडाइवर्सिटी CBD की कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये भी कहा गया है कि 30% जो ग्लोबल टेरेस्ट्रियल और मरीन एरिया होगा वो बाय 2030 प्रोटेक्ट होगा, 30 by 30, ठीक है। ये बेसिकली एक गोल है कि जो 30% मरीन प्रोटेक्ट एरिया है पूरे ग्लोब का वो प्रोटेक्टेड होगा बाय 2030। कि इससे तो आप उल्टा और ख़राब कर रहे हो कि ये एरियाज आप ड्राउन कर रहे हो, और जो पहले ही पार्क की हालत ख़राब है आप उसको और परेशान जो है इसमें करने वाले हो। ओके, दूसरा ये कह रहे हैं कि केन कोई पर्नियल रिवर तो है नहीं, सारा सारा इसमें वाटर नहीं रहता, ये नॉन पर्नियल रिवर है, तो इसको बेतवा में वाटर ट्रांसफ़र करना, तो केन रिवर को भी आगे चल के इससे प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ओके, तो ये इनफैक्ट देयर में नॉट बी इवन इनफ वाटर इन केन अ नॉन पर्नियल रिवर टू मीट द प्रोजेक्टेड नीड ऑफ बेतवा, फॉरगेट द नीड्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन। तो इंडिपेंडेंट एक इसका एक्सपर्ट जो है इसका रिव्यू करवाओ, तभी जाके ये जो प्रोजेक्ट है इसको कम्प्लीट जो है करना चाहिए, और आगे चल के इसमें MP और UP गवर्नमेंट में वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी रेज हो सकते हैं। क्लियर, तो यही है कि ये एक तरह से लॉस प्रोजेक्ट है, तो दोबारा रिकंसिडर इसको गवर्नमेंट को करना चाहिए, यही कहना है एक्सपर्ट्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट जो है किया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 30 के अराउंड जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं, महानदी गोदावरी, ठीक है, पोलावरम, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वेदती वारदा और ये कोसी मेची कोसी घगरा, ये कुछ प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम ऐसे लिंक करेंगे। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट फॉर्मली नोन एज, पहले इसका नाम नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान था, इट एनविसेजेस द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन जहाँ पे फ्लडिंग है टू डेफिशिएंट बेसिन पे हमने करना है। अंडर दिस प्रोग्राम नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी हैज आइडेंटिफाइड 30 लिंक्स, ओके, 16 इसमें 14 इसमें, टोटल 30 लिंक्स हैं
तो इनको हम इनकी रिपोर्ट्स बन रही हैं, और ये 1980 में ये प्रोजेक्ट जो है ये तब जाके अनाउंस हुआ था, ऐसा कुछ हम करेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये सब कुछ इतना भी इजी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कितने लोगों को डिस्प्लेसमेंट होगा और फिर इन्वायरमेंटल होंगे और फिर हम एक तरह से ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो ये सारा कुछ है। तो आपको मेंस में भी लिखना आएगा इसके बारे में, प्रिलिम्स में भी आएगा। क्लियर? पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये 1981 में एस्टैब्लिश किया गया। इट इज़ इन एमपी। इट इज़ सिचुएटेड इन विंध्यन माउंटेन रेंज इन द नदरन पार्ट ऑफ एमपी। केन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रिजर्व। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। ओके, कंजर्वेशन 1994 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया इंडिया में। ओके, 2018 में इट विटनेस द रिमार्केबल टर्न अराउंड इन टाइगर पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर्स रिमार्केबली फ्रॉम जीरो एस्टिमेटेड अ डेकेड अगो। पहले 2009 में हमने देखा ना जीरो थे, लेकिन अब वहाँ पे बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है टाइगर्स की। एमपी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फॉलोड बाय कर्नाटका उत्तराखंड। 2022 में यूनेस्को ने इसको मैप प्रोग्राम में इंक्लूड जो है कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इफ रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल। सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। तो ये हम कई दिन से देख रहे हैं कि एक न्यूज़ चली हुई है कि इंडिया ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक वैरायटी तैयार की है मस्टर्ड की, दैट इज धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 करके। तो ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो इसमें किया क्या गया है, इसमें जो मेल फर्टिलिटी है उसको पेरेंट में रिमूव कर दिया है, और उसका ऐसा मैकेनिज्म है कि ऑफस्प्रिंग में जाके वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो मस्टर्ड है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है, ठीक है, उसको क्रॉस पॉलिनेटेड बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये किया गया है। ठीक है, जो टेक्निक है आपको वो याद रखनी है, दैट इज बारनेज बास्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो जीन्स हैं बारनेज और बास्टर, ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक जीन जो है वो मेल फर्टिलिटी को पेरेंट्स में ख़त्म कर देता है और ऑफस्प्रिंग में दोबारा से रियलाइज कर देता है। ठीक है, और एक बार जीन भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बार जीन जो है इससे ये हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाएगी। ओके, हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो बेसिकली थ्री जीन्स इसमें जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बार, बारनेज और बास्टर। क्लियर? तो हर्बिसाइड टॉलरेंट और ये मेल फर्टिलिटी को सेल्फ जो पॉलिनेटिंग क्रॉप है उसको क्रॉस पॉलिनेटिंग बनाने के लिए। इससे कह रहे हैं कि बेटर ईल्ड आएंगे फार्मर्स के लिए, कॉस्ट कम होगी। जो पहले सेल्फ पॉलिनेटिंग थी अब उसमें हाइब्रिड्स बन सकेंगे। तो इसमें वैसे हाइब्रिड्स बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन अब हाइब्रिड्स बन सकेंगे जो कि ज़्यादा बेटर हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ये सब इसमें किया गया है। और जो बैक्टीरिया है आपको याद रखना है, जिस बैक्टीरिया, क्योंकि अगर हम बीटी कॉटन पढ़े तो हम बैसिलस थुरिंजेंसिस बोलते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो बारनेज बास्टर बार जीन्स है इसके लिए आप याद रखो बैसिलस एमाइलो लिक्विफिक्शंस, एमाइलो लिक्विफिशियंस। ठीक है, तो ये नाम है, इससे ये जीन्स जो है लेकर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इंडिया ने ही बनाया है, दीपक पेंडल ने, ठीक है, इनको एक्सडीयू साइंटिस्ट ने 2007 में, और 70 करोड़ रुपीस जो है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन इतना पैसा लगाया है और इतनी रिसर्च भी की है, लेकिन अब इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रही। अगर हम देखें इसको, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारी कमेटी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, GEAC, जो फाइनली फाइनल एक तरह से अथॉरिटी है किसी भी ट्रांसजेनिक या फिर GM क्रॉप को अप्रूवल देने के लिए, तो उन्होंने तो इसको अप्रूव कर दिया है। GEAC ने तो अप्रूव कर दिया कि हाँ ये सेफ है, इंडिया में लगाना चाहिए। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको फाइनल अप्रूवल अभी नहीं दी है। उनका कहना है कि अभी रुको, और फिर अब ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट भी इसके फेवर में नहीं दिखाई दे रहा। कोर्ट का भी कहना है कि ये इंडिया के लिए नहीं बने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका होगा क्या, अगर जो रिस्क, अगर आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद ये रिस्की हो गया और वो रिस्क जो है इरिवर्सिबल हुआ, तो तब कौन रिस्पॉन्सिबल है? द सुप्रीम कोर्ट्स ओन टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी हैज सेड दैट दीज GM क्रॉप्स वर नॉट मेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कहा कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने जो इसको क्लियर किया है वो हॉरेंडरस है। ठीक है, वो उन्होंने गलत किया है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो है कि इसको ये कुछ भी नहीं करना, हमने अप्रूव करना ही नहीं है। तो बेसिकली इंडिया, इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसके अगेंस्ट चला हुआ है। ठीक है, GM क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है, GM क्रॉप्स होते क्या हैं? दो बेसिकली, ये देखो, दो, ये जो DNA, दो DNA इसको मिक्स करके, ठीक है, एक जैसे हमने BT की एग्जांपल पढ़ी, तो BT के DNA में से हमने जो हमारा रिक्वायर्ड जीन है वो लेकर कॉटन के DNA में इंसर्ट कर दिया और हाइब्रिड जो है एक बना लिया। अ क्रॉप विच हैज़ अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू फ्रॉम अदर स्पीशीज़
इवन अनरिलेटेड, है ना। अब बैक्टीरिया और प्लांट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो किया गया। तो उसको जीएम क्रॉप्स या ये पेस्ट रेजिस्टेंट या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट हम बना लेते हैं। आर देयर अदर जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? गवर्नमेंट इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि बीटी कॉटन ही है, ठीक है, जो ग्रो किया जा रहा है। बीटी ब्रिंजल आया था, लेकिन उसको भी नहीं इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और ना ही बीटी मस्टर्ड को, ठीक है। मस्टर्ड विल नॉट बी बीटी, ओके। बीटी स्टैंड फॉर बेसिलस थुरिंजिनेसिस, तो मस्टर्ड बीटी मस्टर्ड नहीं बोलेंगे हम इसको, DMH11 मस्टर्ड बोल के, क्योंकि इसमें हमने बेसिलस थुरिंजिनेसिस से नहीं लिया कुछ भी। क्लियर। द फर्स्ट जीएम क्रॉप जो कमर्शलाइजेशन थी, दैट वॉज बीटी कॉटन। बॉलगार्ड 1 जो है इसका नाम था, 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जो है, इंडिया हैज बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, पार्टली ड्यू टू बीटी कॉटन विच अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ टोटल कॉटन एकरेज इन द कंट्री। तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस डिबेट है। कुछ लोग कहेंगे होना चाहिए क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत सक्सेसफुल है, और अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है, तो अब हमें करनी चाहिए अडॉप्ट, राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ और लोगों का देखें जो इसके अगेंस्ट हैं, जो लॉबी इसके अगेंस्ट है, वो कहती है नहीं होना चाहिए, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को हार्म करेगी। तो दोनों ही बातें हैं, क्लियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो, ओके, एंड को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। कोई भी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स इंडिया में यूज हो रहे हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बिना जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या प्रोडक्ट्स हमें एनवायरमेंट में जब भी रिलीज करने हैं तो GEAC की अप्रूवल चाहिए होगी। क्लियर। इंडिया हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोल पॉइंट्स। तो एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, तो उसमें ये कहा गया है कि पहले 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, उसमें से इंडिया ने, और इंडिया उसमें कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करता था, उसमें से इंडिया 26 के ऊपर अब अपना कंट्रोल खो चुका है। वो चाइना ने धीरे धीरे हमारा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, ओके। इंडिया हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिसर्च पेपर्स सबमिटेड एट लास्ट वीक। द प्ले सेफ अप्रोच ऑफ द इंडियन आर्मी दैट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पीपल इन फॉरवर्ड एरिया हैज टर्न्ड एरिया की, पहले ये एक्सेसिबल थे, बफर जोन्स थे दोनों कंट्रीज के लिए, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ चाइना का हो गया है एरिया, तो अब ये एक इशू है। जो रिसेंट डिसएंगेजमेंट है ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15-16 को लेकर है, गोगरा हिल्स, नदरन बैंक ऑफ पेंगोंग और काकजंग एरियाज का। पहले हम इनका मैप देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ से क्लियर करो, ठीक है। ये काराकोरम, ये है गोगरा हिल्स, ठीक है, जिसको लेकर ये इशू है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग, ठीक है, ये है, ये हॉटस्पॉट TP15 है, इसी को लेकर है कि ये एरिया जो है पहले यहाँ पे बफर जोन था, ये दोनों जो हैं दोनों ही आते थे, इंडिया और चाइना जो है पेट्रोलिंग करते थे, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइना का ऑक्यूपाइड ये एरिया हो चुका है, ओके। ये देखो चाइना ने जो पब्लिश किए हैं बॉर्डर क्लेम, ये रेड लाइन में, ठीक है, और इंडिया जो मानता है वो ये है, तो चाइना जो है काफ़ी आगे आ गया है, ठीक है, हमारे उससे, हम ये हैं और चाइना तो हमारी जो मानी हुई लाइन है उससे बहुत आगे आ गया है, तो यही माना जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो चाइना की तो ये कह रहे हैं दीज पॉइंट्स वर रेगुलरली पेट्रोल्ड बिफोर April-May 2020, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसको कहा गया कि चाइना की एक टेक्निक है सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग होता है बेसिकली, ये चिकन सलामी से लिया गया है वर्ड, तो सलामी स्लाइसिंग होता है छोटा छोटा कुछ। सलामी स्लाइसिंग अगर हम वैसे देखें तो चिकन स्लाइसिस, छोटे छोटे चिकन के पीसेस काटने, तो वैसे ही चाइना जो है ये सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी फॉलो करता है। ये क्या करता है कि जैसे ये लैंड है तो ये थोड़ा थोड़ा इसका एरिया एक्वायर करता रहेगा, कि 500 मीटर आज एक्वायर कर लिया, फिर कुछ टाइम रुका, फिर 500 मीटर कर लिया, तो इतना थोड़ा 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 एरिया ये आगे आते रहते हैं, और ताकि जो है जब ये धीरे धीरे करके आगे आते रहते हैं तो तब तो हम ध्यान नहीं देते कि चलो 100 मीटर ही है, 200 मीटर ही है, ये कोई बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर जो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये धीरे धीरे बहुत आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग, ये इंच बाय इंच आगे बढ़ना, ओके। द पेपर स्टेटेड प्रेजेंटली देयर आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम काराकोरम पास टू चूमर विच आर टू बी पेट्रोल्ड रेगुलरली बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज, ओके। लेटर ऑन चाइना फोर्सेज आस्क टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सच एरियाज हैव नॉट सीन द प्रेजेंस ऑफ ISF। उन्होंने बोला कि यहाँ तो भाई इंडियन पेट्रोलिंग होती ही नहीं है और चाइना हमेशा से ही यहाँ पे है, तो इस वजह से उन्होंने अपना बॉर्डर जो है धीरे धीरे करके शिफ्ट करना शुरू किया, और हमारा फाइनली क्या हो गया, हमारा जो कंट्रोल है वो उस लैंड्स के ऊपर से चला गया। द टेक्टिक ऑफ PLA टू ग्रैब लैंड इंच बाय इंच इज नोन एज स्लामी स्लाइसिंग,
क्लियर। तो उन्होंने कहा ये कहना है कि जी यहाँ पे आपकी पेट्रोलिंग हो नहीं रही इसलिए हम आ रहे हैं, और धीरे 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 वो आगे बढ़ते गए। और अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि उसमें से 26 ऐसे स्टेशन हैं जिसमें हम पेट्रोलिंग अब कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हम जाएं तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी इसके ऊपर बात चल रही है PP15 के इशू के ऊपर, और जितने कैमरास PLAs ने इंस्टॉल किए हैं हमारे भी उतने ही हैं, कि हमारा इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान है। क्लियर। तो आप एक बार ये मैप जो है इसको रिवाइज कर लो। लैक ऑफ कंसल्टेशन ओवर सेटिंग अप ऑफ इंक्वायरी पैनल अपसेट्स द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स। ये हमने कल न्यूज़ की थी कि बेसिकली कुछ रेसलर्स हैं, उन्होंने जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए, और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, रेसलर्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में। और फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी भेजा कि आप बताओ कि ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजा नोटिस कि आप बताओ कि ये क्या मैटर है, क्यों ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उसके बाद में आके रेसलर से भी मिलते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि कोई बात नहीं आप अपना प्रोटेस्ट बंद करो, हम जो भी आपने चार्जेस लगाए हैं हम उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देंगे। प्रोटेस्ट जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया। जो ये फेडरेशन ऑफ इंडिया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ठीक है एक ओवरसाइट कमेटी सेट की है, ठीक है, अंडर MC मैरीकॉम, ठीक है, उन्होंने बोला है जो कि ये सारा मैटर इंक्वायर करेंगे, जो रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये जो ब्रिजभूषण शरण है इनके अगेंस्ट है। क्लियर। तो अब ये जो रेसलर्स कह रहे हैं कि ठीक है कमेटी बना दी गई, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेंबर्स में भी, जो भी आपने उसमें मेंबर्स लिए हैं, लेकिन बस हमें से हमें ये कहा गया था कि जब भी ऐसी कोई ओवरसाइट कमेटी बनेगी तब हमसे भी जो है कंसल्ट किया जाएगा, कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि हमें नहीं है, वी आर अश्योर्ड दैट वी वुड बी कंसल्टेड बिफोर ओवरसाइट कमेटी वॉज फॉर्म्ड, इट इज़ वेरी सैड दैट वी वर नॉट इवन कंसल्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी। इनका कहना है कि हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया गया। ओके तो ये है। अ डे आफ्टर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ 5-member ओवरसाइट कमेटी टू इन्वेस्टिगेट सेक्शुअल हैरेसमेंट चार्जेस अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, द रेसलर्स हु लेड द प्रोटेस्ट ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर द सेटिंग अप ऑफ द कमेटी विदाउट कंसल्टिंग दैम, कि हमें कंसल्ट किए बिना ही कमेटी जो है वो सेटअप कर दी गई है। कौन कौन से रेसलर्स थे? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक। तो ये और भी रेसलर्स थे लेकिन ये प्रोमिनेंट है, इनका नाम ज्यादा है कि जो प्रोटेस्ट जो है कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपने बना दिया, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी हमने कुछ सजेशन सेंड किए हैं तो उस वो इस जो ओवरसाइट कमेटी है उनको देखने पड़ेंगे, उनको चेक करना पड़ेगा, अगर उन सजेशंस को कंसिडर करना पड़ेगा, अगर उन्होंने उन सजेशंस को कंसिडर नहीं किया तो हम दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, ये कहना है इन रेसलर्स का। क्लियर। तो अभी ये जो है आपके मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि मेंस के ऊपर आपको ज़रूर लिखना आएगा इसके ऊपर कि ये जो वुमेन हैं, बेसिकली वुमेन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, है ना, जेंडर पैरिटी पहले से ही है, फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस, ये सब बातें आपको इसके ऊपर लिखना जो है आ सकता है। क्लियर। इन प्रेसिडेंट सीसी विजिट इंडिया एंड इजिप्ट लुक टू रीकिंडल नॉन अलाइंड ईरा टाइज। ये हमने कुछ दिन पहले ही किया था कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आ रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए, चीफ गेस्ट इनको इनवाइट किया गया है। मिस्टर सीसी इज द फर्स्ट इजिप्शियन लीडर टू बी इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। द इनविटेशन ऑफ मिस्टर सीसी इज ऑल्सो बींग सीन एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पुश टू ग्लोबल साउथ, ठीक है, कि हम इनके साथ अपने रिलेशंस जो हैं इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसा अभी पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है वैसा ही इजिप्ट में भी एक क्राइसिस चल रहा है, तो थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, वीट क्राइसिस। तो उसका रीज़न ये है कि जो इजिप्ट है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी वीट जितनी भी उस कंट्री में यूज़ होती है वो इम्पोर्ट करता है। इजिप्ट जो है सारी की सारी वीट इम्पोर्ट करता है। करता किससे इम्पोर्ट है? रशिया और यूक्रेन से। लेकिन हमने देखा कि रशिया यूक्रेन में वॉर हो गई जिस वजह से ये वहाँ से वीट नहीं इम्पोर्ट कर पाए, तो क्राइसिस की सिचुएशन में था, तो उस टाइम पे इंडिया ने इनको काफ़ी जो है हेल्प की। ओके और वैसे भी जो इजिप्ट जो है, इजिप्ट जो है वैसे तो ये पार्ट है आपका, ठीक है, OIC का, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया ऑब्वियसली पार्ट नहीं है, तो OIC में भी 54 कंट्रीज़ हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने कई बारी ये कश्मीर वाला मैटर रेस किया है, इसके ऊपर कहा है कि भाई वोटिंग होनी चाहिए, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए 370 आर्टिकल का,
लेकिन इजिप्ट ने कभी भी वहां पे भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इजिप्ट जो है हमारा पुराना, जो है हमारा पुराना फ्रेंड है, इजिप्ट भी कह रहा है इंडिया हमारा पुराना फ्रेंड है और उनके साथ हमें उम्मीद है कि हमारे साउथ साउथ कोऑपरेशन और ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। दोनों ही को फाउंडर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के भी, तो काफ़ी पुराने इनके साथ हमारे रिलेशंस हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियाज रिलेशंस विद इजिप्ट बिगेन व्हेन द ट्रेड कॉन्टेक्स्ट बिटवीन, पहले तो एंटी एंशियंट सिविलाइजेशंस मिस्र है ना, इंडिया और मिस्र की हम देखते हैं कि रिवर नाइल और रिवर इंडस की वजह से इनके ट्रेड रिलेशंस थे। फिर 1955 में इजिप्ट और इंडिया ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट, ये फाइव बेसिकली फाउंडर्स थे, उसमें इंडिया और इजिप्ट भी थे। फिर टू नेशंस केम क्लोजर इन 1950s एंड कॉन्क्लूडेड अ हिस्टोरिक फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955। इजिप्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इंडिया इजिप्ट बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हैज़ बीन इन ऑपरेशन इन 1978। कौन कौन सी चीज़ें हम मेजर इजिप्शियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, हम इंडिया इजिप्ट से मंगवाते हैं कॉटन रॉ, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, लेदर, आयरन, ये हम इजिप्ट से लेते हैं। हम इजिप्ट को देते क्या क्या है, कॉटन, सेसमे, याम देते हैं हम उससे रॉ कॉटन मंगवा के, हर्ब्स, टोबैको, लेंटल्स, मिनरल फ्यूल्स, ठीक है, तो ये सारा कुछ, इलेक्ट्रिक मशीनरी। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट इंडियन प्रेजेंस इजिप्ट के हर फील्ड में है, है ना। द मौलाना आजाद सेंटर है वहाँ पे और वो इंडिया बाय नाइल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इजिप्ट में। तो अच्छे रिलेशंस हैं, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है कि इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है कई तरह के जो है एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं डिफेंस, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। क्लियर। उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 120 कंट्रीज है नॉन अलाइन मूवमेंट। बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो वर्ल्ड जो है दो ग्रुप्स में बट गया, वन वाज यूएस एंड वन वाज यूएसएसआर। तो इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो ना यूएस को चाहती थी ना यूएसएसआर को, मतलब वो किसी एक ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। वो चाहते थे हम सबसे रिलेशनशिप रखें और सबसे हमें किसी ग्रुप का पार्ट भी नहीं बनना। तो ऐसे 120 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया That are not formally aligned with or against, ना ही हम किसी के साथ है ना ही हम किसी के अगेंस्ट है, with or against any major power block, okay? तो 1961 में बेंडिंग में कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, वहाँ पर ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो फॉर्मली एस्टैब्लिश की जाती है। ओके, इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ यूगोस्लोविया प्रेजिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इजिप्शियन प्रेजिडेंट, घनान प्रेजिडेंट एंड इंडोनेशियन प्रेजिडेंट, ठीक है। द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अचीव मेजर सक्सेस इन डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्ममेंट एंड अपार्टहाइड। तो इन्होंने अच्छा ये इसमें किया है। द मूवमेंट कोल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, कोल्ड वॉर के बाद भी इन्होंने मल्टीलेटरल टाइज के ऊपर फोकस किया और आज भी ये पूछ लेते हैं कि क्या आज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रेलिवेंट है, तो ऑब्वियसली रेलिवेंट है क्योंकि अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड जो है अगेन दोबारा रीजनल जो है बनता जा रहा है, तो ये इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। ये फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बेसिकली नेहरू और जो चाइना के चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप्स के लिए पहले बनाए गए थे, गाइड फॉर चाइनाज इंडिया रिलेशनशिप, लेकिन बाद में इनको नॉन अलाइन मूवमेंट में भी इनको बेसिक्स जो बेसिस जो है माना गया। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेंटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये कुछ हैं प्रिंसिपल्स जो नैम जो है फॉलो करता है। क्लियर। तो इसमें इतना ही है, अब हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस।